हाय गाइस, आई एम अंकित और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रिक्स और जानेंगे कि किन क्वेश्चंस को हम देखते ही बता सकते हैं। 202 ट्रिक होती है इसमें, एक माइनस माइनस वाली जिसका कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है और एक और होती है, तो उन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको क्या मानना है, सीधे आंसर मानना है, आंख बंद करके आंसर मानना है, ठीक है। बहुतों को कैन नॉट बी डिटरमाइन पता होगा, लेकिन जो आज मैं दूसरी बताने जा रहा हूँ टेक्निक, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो अगर आपको देखते ही क्वाड्रेटिक का आंसर मानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखो और पूरा देखना, ठीक है। मैं रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, लेकिन आपके पांच में से एक दो क्वेश्चन तक तो आ सकते हैं इसमें से। तो अगर आप वो दो क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड कर लेते हो, देखते ही मार देते हो, तो आपका फायदा है इसमें। तो आप क्या करना है, इस तरह का जैसे भी क्वेश्चन देखे आंख बंद करके वो आंसर मार देना, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक, बट बिफोर दिस आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम अंकित, I am XTC software developer. I cleared IBPS, PO and clerk both the examination in 2019, got 45.38 marks and allotted Punjab National Bank. This is all about me and now let's move to the topic quadratic equation. तो दोस्तों quadratic equation के ऐसे कौन से question हैं जिनको हम देखते ही बता सकते हैं, तो चलो दोस्तों देखते हैं। पहला question मैं लिखता हूँ आपके सामने, x square plus 4x plus 8 equal to 0 and y square minus 6y plus 12 इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे इसका डायरेक्ट आंसर पूछूं तो होगा y इज ग्रेटर देन x, हाउ इट इज पॉसिबल। एक और क्वेश्चन लिख के देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू जीरो, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू जीरो। अगर मैं इससे इसका आंसर पूछूं तो आप सीधे बोलोगे x इज ग्रेटर देन y, आपको सीधे बताना है। कैसे बताना है अभी मैं आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x स्क्वायर 8x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो देखो इसका आपका होगा नो सॉल्यूशन और आप इसे कभी कभी कैन नॉट बी डिटरमाइन भी कह सकते हैं, जो लास्ट वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर हम इतनी जल्दी कैसे बता पा रहे हैं, तो ये चीज नोटिस करने वाली है कि इन क्वेश्चंस में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे कि हम इतनी जल्दी आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे माइनस और प्लस होगा और ऊपर वाले में प्लस प्लस है, तो जब भी आपको जो कोफिशियंट है यहाँ पे एक्स वाला वो आपको अगर, और जो सी जो कांस्टेंट वाला होता है वो कोफिशियंट, अगर जब भी आपको दोनों प्लस प्लस दिखाई देंगे और दूसरे वाले में होगा माइनस प्लस, तो क्या होगा, जो माइनस प्लस वाला है वो वाला जो वेरिएबल है वो दूसरे वाले वेरिएबल से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें प्लस प्लस वाला एक्स का ना वो छोटा होगा माइनस प्लस वाले से। अब इसमें देखो, इसमें भी माइनस प्लस है, ठीक है, और नीचे प्लस प्लस है, तो जो प्लस प्लस वाला है वाई है, वाई इज लेस देन एक्स होगा। तो ये याद रखना कि जब भी माइनस प्लस आएगा आपका और नीचे प्लस प्लस होगा तो माइनस प्लस वाला हमेशा ग्रेटर होगा। इसका रीजन होता है दोस्तों, रीजन को भी जानेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको जहां कॉन्स्टेंट के साथ दोनों में माइनस दिख गया आपका सीधे आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रखना, आपके पेपर में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको सीधे आंसर टिक करना है, कोई भी आपको वो नहीं करना कि हाँ भाई सॉल्व करूं या ना करूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन रीजन बताने के पहले थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है क्वाड्रेटिक का, तो उस बेसिक को जानेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक जानेंगे और फिर जानेंगे इसके पीछे का रीजन। और आपको अगर रीजन नहीं जानना है तो बस इतना जान लो कि जो प्लस प्लस आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और एक जगह आएगा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस वाला हमेशा ग्रेटर होगा इस प्लस प्लस वाले से। तो अगर आपको पेपर में जो है ना रीजन नहीं पूछता आपसे, ठीक है, तो आपको रीजन याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, समझना है तो अगर नहीं समझना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना कि प्लस प्लस वाला हमेशा माइनस प्लस वाले से छोटा होगा और जहां पे दोनों कोफिशियंट माइनस हो जाएंगे वहां तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक है, ये दो ट्रिक को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। और चलो पहले इसके पीछे का रीजन जानने से पहले कुछ क्वाड्रेटिक के बेसिक्स जानते हैं कि इसके बेसिक्स क्या क्या है और फिर सीखते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है दोस्तों। Now let's move to the another screen. अब देखो क्वाड्रेटिक का बेसिक जानने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कितने रूट्स होंगे,
जब पावर एक्स की, देखो मैक्सिमम पावर एक्स की 2 है, तो रूट्स के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, जितनी पावर होती है उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको जानना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ट्रिक मैंने बता दी है, वो ट्रिक अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब देखो बाकी चीजें सीखते हैं कि ये रूट्स जो आते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता चलता है। तो पहला एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो रूट्स आते हैं ना वो निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? दोनों रूट्स क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो दोस्तों जो जो रूट्स होते हैं, ये देखो इस वाले के कितने रूट्स आएंगे हमारे, इसके आएंगे 2 रूट्स, मान लो एक अल्फा और एक बीटा। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको कि इसका बेसिक क्या है। ठीक है, ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है, नॉलेज के लिए आप इसको सीख लो। ठीक है, बाकी ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है। तो इसके 2 रूट्स होंगे, मान लो पहला रूट है अल्फा और दूसरा बीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब ये बी क्या है? तो देखो जो एक्स के आगे वाला कोफिशियंट होता है उसको बी कहते हैं, और जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशियंट होता है उसको ए कहते हैं, और कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो इस वाले केस में देखो क्या हो गया, 4 का माइनस 4 और ए का क्या हो गया, 1। तो माइनस 4 बाई 1। ठीक है, माइनस 4 बाई 1 मतलब सम ऑफ द रूट्स तो माइनस आया है, मतलब कि एक कोई ना कोई रूट जो है वो तो एक निगेटिव है, तभी तो सम निगेटिव आया है, और वो निगेटिव वाला बड़ा भी होगा, क्या पता दोनों ही निगेटिव हो। तो अब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए। तो यहाँ पे c कितना है, देखो यहाँ पे c है 4 और a कितना है 1, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 4 बाई 1। यहां से हमें पता चला था एक रूट तो निगेटिव है कंफर्म, क्योंकि सम निगेटिव आया, सम निगेटिव आया मतलब 2 पॉजिटिव नंबर का तो सम कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता ना मेरे भाई। तो यहां पे एक निगेटिव नंबर तो है, अब प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आ गया, तो निगेटिव नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव ही आएगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो निगेटिव नंबर में अगर निगेटिव नंबर का ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो है प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब कि अगर पहला रूट निगेटिव था तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा भी निगेटिव होना चाहिए, मतलब दोनों रूट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इसलिए जब यहाँ पे प्लस और प्लस होता है तो ये निगेटिव दोनों रूट्स आते हैं। अभी मैंने आपको बताया निकाल के कि कैसे आते हैं, यहां से पूरा बताया आपको अभी कि निगेटिव कैसे आते हैं। तो ये चीज ना दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि ये जब भी साइन पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होगा रूट्स क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। तो अभी बाकी इक्वेशंस का भी देखते हैं, तो बाकी इक्वेशन का सॉल्व करके नहीं देखेंगे, लिख के देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, ये एक समझा दिया मैंने, बाकी मैं लिख के बता देता हूं आपको। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। तो जब भी ये यहाँ पे लिख लेते हैं, जब भी ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, निगेटिव रूट्स। तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, निगेटिव। इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस 2 और 2। और मान लो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो रूट्स क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव। इसके रूट्स होंगे प्लस 3 प्लस 2। तो मतलब क्या है कि ये रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं जब ये माइनस और पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव हैं तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, निगेटिव। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि जब भी माइनस पॉजिटिव वाला होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाले से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि देखो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे देख रहे हो निगेटिव रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, निगेटिव रूट्स आ रहे हैं। कैसे रूट्स आ रहे हैं, निगेटिव रूट्स, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो। और अभी मैंने बताया कैसे आ रहे हैं पिछले वाले में ही, और जब यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव रूट्स आते हैं। तो इसलिए जब हमने ऐसे लिखा था कि एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, मैं आपको रीजन बता रहा हूं अभी, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो माइनस प्लस वाला है वो हमेशा बड़ा रहेगा, दोनों प्लस वाले छोटे रहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव रूट्स आ रहे हैं, और जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो दोनों निगेटिव रूट्स आ रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, और y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो जब y की वैल्यू पॉजिटिव है तो y ना बड़ा होगा यहाँ पे,
तो y की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन तो ये हो गया कि जब भी प्लस प्लस होता है रूट्स दोनों माइनस माइनस आते हैं, और जब साइन माइनस पॉजिटिव होता है तो रूट्स पॉजिटिव आते हैं, और पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो ये तो रीजन हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस वाले का भी रीजन है, तो उस रीजन को भी जान लेते हैं। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना तो आप मेरे को कमेंट में करके बता देना, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बताई थी इसलिए मैं इस ट्रिक का रीजन भी बता रहा हूँ। अब देखो माइनस वाले में क्या होता है, मान लो ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरा हमने लिया वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई लेट अस सपोज माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो अब इसका अगर रूट्स निकालेंगे ना दोस्तों, तो पहले वाले यहां पे भी माइनस ले लो, यहां पे भी माइनस ले लिया, तो जब दोनों माइनस होते हैं ना तो एक रूट पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लेकिन जब दोनों माइनस होते हैं तो कौन सा रूट बड़ा होता है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक की सीरीज स्टार्ट करूंगा तब, प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा तब। और यहां पे मान लो ये वाला प्लस है, तो जब ये प्लस और माइनस होते हैं ना, जब ये प्लस और माइनस होते हैं तब भी एक रूट माइनस होता है एक प्लस होता है, तो ये ग्रेटर है। अब इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि यहां भी माइनस दिख जाए और यहां भी माइनस दिख जाए तो सीधे क्या लिख देना है, नो सॉल्यूशन। क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन क्यों होता है, अब देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एक्स की और ये वैल्यू किसकी है वाई की, तो इन दोनों को कंपेरिजन करो, तो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये y निगेटिव है और x पॉजिटिव है। लेकिन इधर कंपैरिजन करो, x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू अगर निगेटिव है y की पॉजिटिव है तो y इज ग्रेटर देन x। तो पहले वाले केस में तो x बड़ा आया और दूसरे वाले केस में y बड़ा आ गया, तो देख लो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना, या तो x पूरा बड़ा होगा या x छोटा होगा या इक्वल होगा, इन तीन के अलावा कभी बड़ा कभी छोटा आएगा, तो इसको क्या कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नो सॉल्यूशन कह देंगे। तो इसका रीजन ये होता है दोस्तों। तो मैंने आपको रीजन भी बता दिया दोस्तों, और अगर आपने, अगर ये जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो काफी आपका टाइम जो है खराब होगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि आपको कैसे डायरेक्ट मानना है, वापस मैं तीन क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पे, डायरेक्ट आंसर करेंगे इन तीन। आज मैं अभी मैं चार पांच क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, इनके आंसर डायरेक्टली बताने हैं, ठीक है। प्लस फोर वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, y स्क्वायर माइनस सेवन वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, इन क्वेश्चंस के आंसर। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y, क्यों, क्योंकि देखो जो प्लस प्लस वाला होता है वो हमेशा माइनस प्लस वाले से छोटा होता है, तो माइनस प्लस वाला x था इस केस में, तो ये हो गया। इस वाले केस में माइनस प्लस वाला कौन है, देखो माइनस प्लस वाला हमेशा प्लस प्लस वाले से बड़ा होता है, तो y इज ग्रेटर देन x। अब एक और चीज बताई थी, जब दोनों माइनस हो तो क्या आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये आपको बस याद रखनी है इतनी सी चीज कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताता रहूंगा। और इसके अलावा मैंने अपनी टेक्निक भी बताई थी, बुक्स जो जीके के लिए बताई थी वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो सारी वीडियोज में बता चुका हूँ, वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या करना है, आपको कैसे टेस्ट में इम्प्रूव करना है, सारी चीजें बताई हैं, आप उन्हीं को फॉलो कर लिया करिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और दोस्तों आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, उनको सॉल्व कर लिया करो। और इसके अलावा जो एफबी पेज है उस पर भी अपडेट आता है, तो प्लीज ज्वाइन एफबी पेज ऑल्सो। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क मी
in comment, or you can also call me. I have also provided my number in description, so you can go there. Okay, thank you.